पीटा पक्का पक्का पक्का। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को जो है भाई लेट ज़्यादा हो गए थे यहीं पे, तो हमने तो कहा अमन भाई यार हम तो यहीं सो रहे हैं, तो हम तो अमन भाई की यहाँ पे इस घर पे ही सो गए, वापस गए नहीं उस रिजॉर्ट के अंदर। यार अब जो है आज थोड़ा पालनपुर घूमेंगे, और ये अपने गोविंद भाई है, उठने का नाम है। उठ जा भाई, उठ जा यार, काल उठ उठ भाई उठ। मनीष ने उठा को ले, मनीष ने उठा, उठ 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 जा उठ जा उठ। मैं मुंह धो लेता हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, ये क्या कर रहा है? एडिट एडिट चल कर जल्दी कर। गुड मॉर्निंग अमन भाई। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हम थोड़ा सा गाड़ी साफ कर लेते हैं क्योंकि हम रोज ही करते हैं। अरे एक चीज भूल गया, गुड मॉर्निंग भाई, बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ चमका भाई चमका, जल्दी चमकाई पूरी गाड़ी ने। तो गाइस ये जो है ये पाइनएप्पल का पेड़ है, अभी फूल आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में पाइनएप्पल लग जाएंगे इसके। हाँ भाई किसको बैठो? गोभी का। ये गोभी का थोड़ा तो रिलेटेबल बोलता, जो गोभी तो इतनी बड़ी का होती है भाई। तो गाइस आज का प्लान है थोड़ा पालनपुर में घूमेंगे भाई। कहाँ चलेंगे आज अपन? आज अपन चलेंगे हमारे कोटिंग स्टूडियो पे फिर लंच। अरे वाह यार, भाई का भाई की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई दिखाओ यार, तो आज चलते हैं। एक और भैया आ गए। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। नींद अच्छी है रात को? बुरे सपने तो नहीं आए? नहीं नहीं भाई, फिर से छाती में डाल दे कैमरा। अब नाश्ता कर लो गाइस। तो आज हम खाएंगे पूरा गुजराती स्टाइल के अंदर खाना। अरे अमन भाई नाम बताओ ना। ये खमण, ये जलेबी, जलेबी पात्रा। आपके इधर भी जलेबी टेढ़ी बनती है? हाँ जी, हमारे यहाँ भी टेढ़ी बनती है। और ये है ढोकला। ये ढोकला और ये कड़ी। ये कड़ी, कड़ी, जलेबी, खमण, पात्रा, ढोकला। तो पात्रा टेस्ट करते हैं गाइस, पात्रा क्या है। ओए विक्रम बेटा आजा, देख देख दाव पर का आज बेटी मौज की दार। तो जलेबी दिखे, जलेबी जलेबी टेढ़ी बने यार, सीधी कड़ी बने, मिस्त्र सही नहीं आ रही है। गुजराती खाना भी गुजराती होता है, एक नंबर भाई। नाश्ता वगैरह हो गया फुल गुजराती टाइप के अंदर, और अभी हम जा रहे कौन सी रोड? बोल अपन हनुमान टेकरी रोड जा रहे हैं। हनुमान टेकरी रोड जा रहे भाई, कह रहे पालनपुर आए हो तो आज थोड़ा अच्छे से घुमाते, हर बार जल्दी जल्दी में निकल जाते हो, तो अभी हनुमान टेकरी रोड चल रहे हैं। तो गाइस नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, जैसे हम गाड़ी निकाल रहे थे उसी टाइम पे, तो थोड़ा गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कैसे हो भाई लोगों? बढ़िया। देख लेना कोई सामने है ना, थोड़ी सी आगे ले लो गाड़ी बाबू, थोड़ी सी आगे ले लो, थोड़ी सी आगे ले लो, है ना, थोड़ी सी आगे ले लो। आ चुकी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है सब जगहों पे। तो गाइस ये हम पहुंच गए, कहाँ पे आ गए अभी? अपन अभी आए हैं हमारे कोटिंग के स्टूडियो पे। अरे वाह, तो इधर ले लो अंदर, इसके अंदर। चलो गाइस तो अभी जो है अंदर ले लेते हैं गाड़ियों को। तो गाइस यार बड़ा अच्छा स्वागत है, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। तो ये हम पहुंच गए अमन भाई के स्टूडियो में, कार के स्टूडियो में बेसिकली। तो भाई लोगों ये हम पहुंच गए अमन भाई के। अरे वाह यार, ये जय बात। ओहो वीआईपी लानते अपने को भी यार। थैंक यू सो मच सर, आप आए। और भैया एक और भैया, भैया से ही मिलाते हैं आपको। नमस्ते भैया, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या नाम है सर आपका? अरे वाह बढ़िया, चलिए ठीक है यहाँ पे। हम लोग बीपीएफ का काम करते हैं, सिरेमिक कोटिंग वगैरह है, कार स्पा है, वॉशिंग है,
वो सबका डिटेलिंग में हम काम करते हैं। थोड़ा देखो यार, गुजरात से दूर और राजस्थान से दूर पड़ जाता है, वरना मैं तो गाड़ी धुलवाने के लिए अमन भाई के पास बोले अमन भाई यार थोड़ी सी गंदी हुई कौन सी वाली है ये यार, तुमने बहुत सारी चीजें छुपा के रखी यार, मैं जब भी हर बार कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है भाई। हाँ ये भी स्टॉक नहीं है, ये कौन सी है 650 अच्छा ये Z650 है ना, वो 35 साल वाला पुराना। अच्छा ये गाइस ये जो है ये कितने साल पुराना है भाई, 35 साल पुराना। तो इसके जो नंबर है वो देखो GCK ऐसे आता है, जैसे अपने अपने RNC आता है ना राजस्थान में, है ना, जैसे अपने हमारे राजस्थान में RNC आता है पुरानी गाड़ियों, तो वैसे इसके हैं GCK। चलो फाइनली अपन यहाँ पे भी घूम लिए, अब नेक्स्ट क्या प्लान है अमन भाई? सर से मिलवाना, मैं आपको मिल गया था सर, आपका नाम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, संकेत भाई है अपने और पालनपुर से ही है सर आप, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। चलो गाइज मंदिर चलते हैं, मंदिर कौन सा, पातालेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव जी के मंदिर चलते हैं गाइज अभी। बारिश आने वाली है इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं भाई, अभी जो है तूफान आ रहा है, देखो भाई लोगों का प्यार है जो इसलिए तूफान में भी मिलने के लिए आ गए, बाकी मैं सभी से मिल लिया हूँ। तो गाइस यार ये हम पहुँचने वाले हैं पातालेश्वर महादेव जी के मंदिर पे, यहाँ पहुँच गए गाइस हम मंदिर पे। हेलो कैसे हो भाई, बढ़िया, हेलो विक्रम भाई, बोल पातालेश्वर महादेव जी के भाई, मंदिर में आए तो थोड़ा ये तो जरूरी है। गाइज मंदिर आके मतलब एक पॉजिटिव सी वाइब आती है यार, इसीलिए मंदिर तो जाना चाहिए जो भी जहाँ पे भी हो। वही मोटे क्या मांगा तूने? नंबर वन आना बस। अच्छा वो मांगा तूने, क्या मांगा भवानी? वही है यार, एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट है, नंबर वन तो वैसे ही यार पब्लिक ने नंबर वन ही बना रखा अपने को, लेकिन फिर भी चलो ठीक है तुम कह रहे हो। ले गोविंद भाई हाँ क्या मांगा, कुछ मांगा क्या? पचास मिलियन जल्दी करा दे, महादेव जी पे कब तक सुनते हैं वो बात है। अमन भाई पता नहीं कौन से रास्ते में ले आए हमें, बोले मस्त जगह है तो हम भी ये गाड़ी में ले आए, तो ये देखो हम सभी लोग जो है जा रहे हैं अमन भाई की मस्त जगह बताई हुई। उस जगह का नाम क्या है भाई? दातीवाड़ा डैम के पीछे की साइड का है ये प्लेस। अच्छा तो ये बहुत बढ़िया जगह बता रहे भाई, इस बहुत खतरनाक जगह पे लेके आ गए हम गाड़ी को, ये देखो पूरा ऐसी ऐसे जगहों के लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी है, लेकिन ये किसके पास है आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास है, और आपके भाई जो है वो आपको पता ही है कि जिद्दी है, जज गई लेके जाना है तो फिर लेके जाना है, सोचना क्या है। तो गाइज ये आ गए हम जगह, लोकेशन देखो एक बार यार, ऑसम देखो लोकेशन देखो गाइज, ये एक थार यहाँ पे है, इसके नंबर देखो गाइज GJ8BS5, एक अपने पास थार है, ये देखो गाइज इधर देखो पूरा नजारा एक बारी देख लो पूरा, देखो है ना एक नंबर भाई। भाई क्यों जाना मालदीव मलेशिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखो ये खूबसूरती कम है क्या, इधर आओ देखो है, ये देखो इधर पूरी हरियाली और इधर देखो पूरा यार मतलब ये कैसे वो आ रहे, देखो मीठे पानी के समंदर नहीं मीठा पानी, ये देखो आ जाओ आ जा कछु आ जा गो बेटा आ जा भाई, एक नंबर यार एक नंबर, इतनी प्यारी जगह है ना देखो भाई, मजा आ गया गोरी गोविंद, मस्त है ना जगह, देखो देखो मौसम भी साफ हो गया, देखो बादल हट गए बादल छट गए, मजा आ गया। चलो यहाँ पे आप ड्रोन से आपको छोटे मोटे व्यूज दिखाते हैं, चलो गाइस यहाँ पे बड़ा मजा है, अब यहाँ से निकलते हैं।
चले भाई लोगों, चलो गाइस ये आ गए फिर से हम अड्डे पे, यहाँ पे सोएंगे, यहीं पे जमा लिया हमने तो अपना अड्डा, वहाँ नहीं जा रहे हम होटल रिजॉर्ट यहीं पे डेरा जमा लिया हमने, तो घूम घाम के आ गए, अभी शाम को फिर निकल जाएंगे। आप कुछ लाए थे मेरे लिए? रमन भाई मेरे लिए कुछ लाए हैं। आज हूँ अपनी माटे से एक गिफ्ट लाया छू। मैं आज इनके लिए ना एक गिफ्ट लाया हूँ। हाँ गुजराती में से बोलो। हूँ तुम्हारी माटे गिफ्ट लाया छू। हूँ तुम्हारी माटे गिफ्ट नहीं लाया हूँ, तुम लाया छू। तो भाई गिफ्ट खोल लूँ? अरे खोल दो यार। तो भाई गिफ्ट लाए हैं अपने लिए, देखते हैं कि क्या सरप्राइज मिलता है आज अपने को। तो गाइस ये है गिफ्ट, मैं आग बंद करता हूँ। क्या है भाई, और खोलना है क्या? बंद ही रखो, ये तो मैं ले लूंगा। आपके साथ तो रहने दो। हां ले लूंगा, ये तो छोड़ो भाई, देखने तो देख क्या है, क्या जरूरत है, मैंने ले लिया अब क्या। ओ वाओ, कुछ और भी था क्या? छिपा लिया मैंने। तो गाइस ये है हमारे पास, अरे वाह यार, इसके अंदर तो ऊपर वो बताते हैं ना, हाँ ओ वाह। तो गाइस इस पे अपना नाम लिखा हुआ है अपन सबका, अरे वाह यार, पर्स पे भी लिखा हुआ है। और ये की चेन ले, अपने को चाहिए थी ना की चेन, ले मैं थैंक यू उसमें लगा दे। और ये है, अरे वाह यार, पासपोर्ट होल्डर है अपना खुद का पर्सनल, बढ़िया चीज है यार। पेन है। और ये पेन, क्या हुआ तो फिर से यार, तू बंद कर छाती में डाल। अभी अपन चल रहे कहाँ पे, कौन सी जगह है भाई? कौन सी एरिया में चल रहे हैं अपन? कौन सी एरिया के अंदर चल रहे भाई के साथ में? फोन का कवर लेने के लिए। ये तो फोन का कवर बहाना है, थोड़ा घूम लेंगे इस बहाने। तो गाइस हम निकल गए हैं, जो भाई ने एरिया बताया है, कोजी एरिया, जो भी भाई क्या नाम था यार, कोजी, अपने अमन मोबाइल वर्ल्ड में जा रहे हैं। हाँ तो भाई के जो दुकान है, तो मोटे कवर लेना था तो निकल गए। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मिले, बड़ा मजा आया सभी से हैंडशेक करके, सभी से प्यारी प्यारी बातें करके। कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, मजबूरी है, क्या करूं यार, अब एक ही इंसान हूं, कितने लोगों से मिलूंगा, मतलब आप समझ सकते हो ना यार थोड़ा सा। तो जिनसे नहीं मिल पाया उनसे दिल से सॉरी, कोशिश करेंगे कि दोबारा से अगर मौका मिलेगा तो मैं पर्सनली सभी से मिलूंगा। आगे आपको पता है कि मैं गाड़ी भी रोक देता हूँ, उतर भी जाता हूँ, लेकिन ये कभी कभार यार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है जो कि मेरे बस में नहीं है। लव यू ब्रदर। भाई ये अपन भाई, चलो मैं गाड़ी रोक लेता हूँ यार। आगे रुक रहे, आगे रुक रहे, गाड़ी रोक लेता हूँ। जो है मैं थोड़ा सा गाड़ी रोक लूँ साइड में, तो मैं गाड़ी रोक लूं, बेटे गाड़ी रोक लेता हूँ, गाड़ी रोक लेता हूँ ना, गाड़ी रोक, आगे खड़ी कर दूं। साले तेरी मेरी इसकी उसकी कोला हुआ क्या, काली कुर्सी संतरी मंत्री माख लंत्री, आम आदमी या सरकार, इतनी पिटी मामले सी लिपटे जिंदुर जिंगे सी, मान ले बगल में डाल ले रब दे सामने, अपने औकादी चाहिए, हाँ औकादी चाहिए, सबके ऊपर हाथी छोइए, देशा राणा बन वो ढाई है, उसकी चादर उसके रजाई उसके संभाल, तेरी जिंदगी की धोती पापी उसी ने सिलाई है, जान तेरी क्या है तू भी बंदी है रब दे, धाक तेरी क्या है जब मरे जीना रब दे, बात मेरी मान जरा सुन ले तू रब दे, मेरा काम मेरा नाम मेहर है रब दे। अच्छा
अगर मेरे से हो पाता मैं तो सबसे गले मिल लेता सबसे मुझे तो खींच के लेके चले गए थे ब्लॉग। अभी भाई देख यार इसे कहते जोश, इसे कहते टाइटेनियम आर्मी जो हल्के मत लियो तू। देखा तू आवाज देखी ना इसे दहाड़ी सिर होगी ठीक है। हाँ हल्के मत ले लियो तू। गाइस अब थोड़ा बाहर चलते हैं, देखो लोगों से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं गुजरात का प्यार। देखो मीटअप नहीं था ये, ऑफिशियली मीटअप कुछ भी नहीं था, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था भाई, लेकिन भाई लोग पहचान लेते हैं और आ जाते हैं उनका प्यार। I'm a meet 'em. I got babies, so I clothe 'em and I feed 'em. I got babies living angels, they're no demons. I got babies, you meet God if you mistreat 'em. गुजराती पब्लिक जोरदार है यार, जिंदाबाद ब्रदर, जिंदाबाद भाई को व्लॉग मिलो यार। अगली बार पीटो पक्का पे ना पब्लिक पागल हो गई है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड था। इतना नहीं पता था कि गुजरात की पब्लिक पालनपुर में इतना शोर इतना हंगामा मचाएंगी भाई के लिए। भाई का प्यार ही जो है ना भाई, शेर भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब ये टाइटेनियम आर्मी का पावर है। ये जितने भी भाई लोग है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ इनको, ये इनका एक छोटा सा ट्रस्ट है, इनका एक छोटा सा विश्वास है, बस यही कमाया मैंने अपनी लाइफ के अंदर। मैंने किसी को नहीं बोला था कि मैं कहाँ हूँ क्या है। भाई साहब गुजरात की पब्लिक ने इतना प्यार दिया, हालांकि हमने ना मीटअप के लिए कहीं पे बोला था ना किसी को बताया, तो हम तो बस रैंडमली शॉप पे जा रहे थे, लेकिन भाई गुजरात की पब्लिक है, हम कितने टाइम तक छुप सकते थे। जैसे ही भाई साहब शेरों को पता पड़ा सभी लोग आ गए भाई से मिलने के लिए, और उसके बाद में भाई हमें तो वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भाई साहब चक्के जाम कर दिया आप लोगों ने, तो वहाँ से फिर हमें निकलना पड़ा। तो हम फाइनली फिर से घर की बजाय यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं नहीं चाहता यार, मेन यही रहती है हम वहाँ से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से जो आम पब्लिक है उनको किसी को परेशानी हो। तो मन भाई ये व्लॉग यही खत्म होता है, अब मैं थक गया हूँ आज का दिन तो यार। हाँ भाई तो हम यही खत्म होता है, पहले में आते थे हम तो है ना चुपके से किसी बलिनों में या फिर किसी स्विफ्ट में आते थे अमन भाई वगैरह से मिल मिला के चले जाते थे टैक्सी गाड़ी में। आज हमने सोचा चलो अपनी गाड़ियाँ लेके चलते हैं। तो अमन भाई हो गया भाई आज तक क्या ही बोले यार। अमन भाई अभी आपने टाइटेनियम आर्मी असली पावर देखी नहीं है, जे हम बोल देते कि आज मीटअप है तो भाई साहब गुजरात में फिर ये है कि भैया गुजरात के अंदर फिर मजा आता, होम स्वीट होम होता फिर, क्योंकि गुजरात की पब्लिक बहुत स्वीट है। और जो लोगों से मैं बात कर रहा था ना भाई, मतलब मैं इंटरेक्ट करने का मौका मुझे पहली बार ही मिला है लोगों से, भाई क्या ही लोग हैं, बहुत बढ़िया एक नंबर, दिल के बिल्कुल साफ, मन में कुछ नहीं, बोले भैया बस आप गुजरात आए हो, आप मेहमान हो हमारे, तो बस यार ये देख के खुश हो गया। गुजरात ओपी भाई लोगों, सरस सरस कैसे मोटा तू बोल यार, सरस ऐसे बोल, सरस सरस सरस, हाँ सरस बोलते हैं, सरस हाँ गुजराती बोलते हैं, मतलब अच्छे को सरस, मजा ये लोगों, ये लोग भी आ गए, बहुत मजा आ गया। चलो चलो गाइस आज के लिए वैसे हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले व्लॉग के अंदर देखते हैं अगला व्लॉग बन पाएगा या फिर नहीं बन पाया। तू छाती में डाल ही दे फिर से।